नमस्कार, आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ये सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉक्टर सुसलर द्वारा दी गई 12 बिट सुसार्ट रेमडीज की रेमडी नंबर 8 के ऊपर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले 1 से लेकर 7 रेमडी के ऊपर हमने वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेमडी नंबर 7 की लिंक दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसी क्रम में आपको सभी वीडियोज की लिंक मिल जाएंगी और सभी वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुसलर द्वारा दी गई 12 बिट सुसार्ट रेमडीज की रेमडी नंबर 8 के ऊपर। आइए हम लोग इस रेमडी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि इस रेमडी का मेडिसिनल नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है और इसके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या हैं। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइए, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, एक और भी जो साधन है जिसके माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं, जरूर पहुँचाइए। फ्रेंड्स, ये मिनरल्स किंगडम की जो 12 बिट सुसार्ट रेमडीज हैं, फ्रेंड्स ये मिनरल्स किंगडम की रेमडी हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट हमें अपने प्रैक्टिस में के देते हैं, उसी आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम हर वीडियो में हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनके रिजल्ट हम देख लेते हैं करीब 15 से 20% के ऊपर, उसी आधार पर हम उस रेमडी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। फ्रेंड्स, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए, जागरूकता आए, अगर लक्षण मैच करता है तो आप पेशेंट को जरूर दीजिए, बहुत बेहतरीन के रिजल्ट मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि जो हमारी चिकित्सा पद्धति है या कि जो रेमडीज हैं फ्रेंड्स, ये किसी रोग का इलाज नहीं करती, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये रोगी का इलाज करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अगर कोई रोगी आता है एक ही मर्ज का, यानी कि जो आज आइडेंटिफाई हैं, जिनके नाम आइडेंटिफाई हैं डिसीजेस के, अगर एक ही डिसीज के हमारे पास अगर मान लीजिए कि 10 रोगी आते हैं तो उसमें से हो सकता है कि हमने 10 रोगी को अलग अलग दवाइयाँ दिया। इसका कारण यह है फ्रेंड्स कि हम लोग सिम्टम्स के आधार पर, उसके कॉजेस क्या हैं उसके आधार पर हम लोग रेमडीज को सेलेक्ट करते हैं, पेशेंट के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, उसका बॉडी टेम्परामेंट क्या है, किस टाइम पे डिसीज होती है, ये सभी चीज़ें पर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके आधार पे हम लोग उसको रेमडी देते हैं और निश्चित तौर पे पेशेंट को आराम होता है। फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे तरीके से आराम होता है और एक निश्चित समय में उनकी दवाइयाँ बंद हो जाती है। खुशी तब मिलती है फ्रेंड्स जब एक निश्चित समय में किसी पेशेंट की दवा बंद हो जाए, ऐसा नहीं कि हम उसको जीवन भर मेडिसिन ही देते रहें। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अपने पॉइंट में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 8 नंबर की रेमडी है इसका नेम है मैग्नीशियम फास्फोरिकम, एम ए जी एन ई एस आई यू एम पी एच ओ एस पी एच ओ आर आई सी यू एम। फ्रेंड्स, इसका जो केमिकल नेम है वो है फास्फेट ऑफ मैग्नीशिया और इसका जो केमिकल फार्मूला है फ्रेंड्स वो है एम जी एच पी ओ फोर सेवन एच टू ओ, यानी कि इसमें मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ आपका जल का भी कम्बिनेशन इसमें मिला हुआ है और फास्फोरस तो है ही है फ्रेंड्स, जैसा कि आपने बताया कि मैग्नीशियम फास्फोरिकम। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे कि इसके जो मेडिसिनल यूजेस हैं, ये बहुत ही यूनिक रेमडी है फ्रेंड्स, क्रैम्प्स एंड न्यूरालजिया। जैसा कि आपने देखा होगा कि अचानक क्रैम्पनेस आ जाता है, यानी कि मसल्स स्पास्मोटिक कंडीशन जिसको अपन कह सकते हैं फ्रेंड्स, खिंचाव आ जाता है, अचानक दर्द होना शुरू हो जाता है, किसी अंग में चलते फिरते खिंचाव आ जाए, ऐसे कंडीशन में यह रेमेडी बहुत ही यूनिक रेमेडी है, बहुत बेहतरीन इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। यानी कि कुल मिला के आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि नर्व स्टेबलाइजर के नाम से रेमेडी जानी जाती है, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको स्टेबलाइज करती है फ्रेंड्स, सुरक्षित करती है और उसमें जो सही फ्लड लेवल है उसको ये बना के रखती है। फ्रेंड्स, सडन पेन, आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट में अचानक पेन शुरू हो जाता है, जैसा कि भी अपन ने बताया कि क्रम्पनेस या पेन अचानक अगर शुरू हो जाए, सडन शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन में रेमडी दी जाती है। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सडन पेन स्टार्ट हो जाए और सडन गो, यानी कि जल्दी आए और जल्दी जाए, इस कंडीशन में अपन बेलाडोना को याद करते हैं, लेकिन अगर अचानक पेन शुरू हो जाए वो बना रहे, उस कंडीशन में अपन मैग्नीशियम फास्फोरिकम को याद करते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे, ये रेमडी बहुत यूनिक रेमडी है फ्रेंड्स बैक पेन के लिए, शाटिका के लिए, सडन आ जाए, अचानक क्रैम्प्स हो जाए उसके लिए, जैसा कि हमने शुरू में ही बता दिया है फ्रेंड्स, तो उस टॉपिक को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, बैक पेन के ऊपर, शाटिका के ऊपर, न्यूरोलजिया और माइग्रेन के ऊपर भी इस रेमडी के बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। माइग्रेन के भी अलग अलग सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने अभी बताया कि अचानक आए और अचानक चला जाए, उस कंडीशन में हम बेलाडोना की बात करेंगे, लेकिन बनर अचानक आए और बना रहे, उस कंडीशन में अपन मैग्नीशियम फास्फोरिकम को याद करते हैं और उसके साथ साथ अर्निका को भी याद करते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पेशली अगर लेफ्ट साइड में अगर समस्या हुई है तो। फ्रेंड्स, ये रेमडी बहुत यूनिक रेमडी है, फ्लेचुन से पेट में अचानक फुलाव आ जाता है,
फ्लैटुलेंस कंडीशन में ट्रेपिड विंड यानी कि हवा का फंस जाना, ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के अंदर कहीं भी हवा रुक रही है, ट्रेपिड विंड, उस कंडीशन में यह रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है फ्रेंड्स। एसिडिटी, हार्टबर्न, डिस्पेप्सिया ऐसे कंडीशन में, जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि GERD जो डिसीज है ये उसी के अंतर्गत आता है। कि हार्टबर्न कब होता है, जब जो गैस है फ्रेंड्स वो इसोफेगस की तरफ रिफ्लेक्ट करती है, उस कंडीशन में पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमारा हार्ट वर्न कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो हार्ट नली की समस्या होती है। ऐसे कंडीशन में भी यह रेमेडी बहुत ही यूनिक रेमेडी है, बहुत अच्छे इसका रिजल्ट हमने देखा है अपने प्रैक्टिस में। इसके साथ फ्रेंड्स ये कफ, पैनिक अटैक, अचानक पैनिक अटैक अगर होता है उस कंडीशन में फ्रेंड्स अपन एकोनाइट को भी याद करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, लेकिन इस रेमेडी को भी याद किया जाता है। आगे फ्रेंड्स हे फीवर, एलर्जिक साइनस जो होता है फ्रेंड्स उस कंडीशन में भी ये काम करती है, यानी कि एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस ऐसे कंडीशन में भी इस रेमेडी को दिया जाता है और बहुत ही यूनिक रेमेडी है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो मिनरल्स हैं, जो 12 इलेक्ट्रोलाइट हैं फ्रेंड्स, ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिना इसके हमारे शरीर या कि हमारा जीवन संभव नहीं है, और जब इनकी डिफिशियंसी होती है तो हमारे शरीर में कई प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पर हमेशा ध्यान ये रखना होता है कि जो सिम्टम्स हमारे शरीर में दिख रहा है वो किस वाले साल्ट की कमी की वजह से दिख रहा है, उस साल्ट की अपन पूर्ति करते हैं, उस मिनरल्स की अपन पूर्ति करते हैं, वो चाहे खाने के माध्यम से हो या रेमेडी के माध्यम से हो। तो फ्रेंड्स की अलग अलग कंडीशन में, जैसा कि हमारे वीडियो में हम कभी पोटेंसी नहीं बताते, कभी डोजेस बताने की कोशिश हम नहीं करते, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं पेशेंट के हिसाब से, इसको हमको 3x देना है, 6x देना है, 12x देना है, 30x देना है, कि टिंचर फॉर्म में देना है, कि 30 पोटेंसी देना है, या कि जो भी चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से पेशेंट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो हम रेमेडी के ऊपर बात करते हैं, पोटेंसी बहुत कम बताने की कोशिश करते हैं, उसे सामान्य रूप से अगर इसको दिया जाए तो 3x, 6x और 12x, 30 CH भी ये चलती है फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पर जो वीडियो हमने बताया फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जो हमने बताने की कोशिश की वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।